question 6 the price of a bond just before a year just before a year of maturity is rupees 5000 it means his starting price 5000 dollars its redemption value is 5250 at the end of the said period interest is 350 per annum the dollar appreciates by 2% during the said period कैलकुलेट the रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स एंड नॉन यूएस इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में आपकी फाइव थाउजेंड डॉलर वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की जो एक साल बाद आपकी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी डॉलर हो गई और इंटरेस्ट है उस आपको थ्री फिफ्टी डॉलर पर एन ये आपको रिसीव हो है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स पॉइंट यूएस इन्वेस्टर्स पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना प्रॉफिट हुआ? टू फिफ्टी टू फिफ्टी प्लस आपको इंटरेस्ट मिला है थ्री फिफ्टी टोटल कितना हुआ थ्री सिक्स हंड्रेड यानी सिक्स हंड्रेड उसने अर्न किया कितने पर फाइव थाउजेंड के ऊपर तो ये आपका प्रॉफिट हो, हो गया है। इसको प्रॉपर कैसे लिखेंगे जैसे प्राइस एट द एंड और प्राइस एट द बिगनिंग उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया और बेस प्राइस आपका फाइव कैलकुलेशन जो प्रॉफिट की करनी है वो आपकी फाइव थाउजेंड के ऊपर करनी है डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेल्व परसेंट आपका प्रॉफिट आ गया है जो फर्स्ट पार्ट है जो इस क्वेश्चन का कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी अब यूएस इन्वेस्टर हो या नॉन यूएस इन्वेस्टर्स दोनों के लिए जो रिटर्न वो तो सेम होगी दोनों में डिफरेंस क्या पड़ेगा यूएस इन्वेस्टर्स है वो उसकी होम करेंसी के डॉलर्स इसने बताया कि डॉलर्स के अंदर अप्रिसिएशन हुआ है टू परसेंट का तो यूएस इन्वेस्टर्स है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी होम करेंसी भी सेम है इसी में अप्रिसिएशन हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जो नॉन यूएस इन्वेस्टर्स है उसकी इनकम के ऊपर इफेक्ट आएगा क्या इफेक्ट आएगा उसने सिक्स हंड्रेड डॉलर उसने अर्न किए अब यूएस डॉलर है वो एप्रिशिएट हुआ है टू परसेंट से इट मीन कि जो उसकी रिसीट्स है मल्टीप्लाई बाई वन पौन पौन जीरो जीरो टू ये अमाउंट यानी इंक्रीज हो गया उसको जब वो अपनी अपनी होम करेंसी यानी नॉन बेस नॉन यूएस बेस इन्वेस्टर्स है, है वो अपनी होम करेंसी में इसमें कन्वर्ट करवाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा होम करेंसी में उसमें एक्सेस अमाउंट मिलेगी कितनी अमाउंट टू परसेंट से तो नॉन यूएस बेस्ड जो इन्वेस्टर है उसको टू परसेंट एडिशनल प्रॉफिट होगा इन केस अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो ट्वेल्व परसेंट बोथ साइड में यूएस और नॉन यूएस वाले को प्रॉफिट हुआ ही है उसमें प्लस टू परसेंट नॉन यूएस वाले को भी

टू परसेंट हुआ है वो उसकी जो प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्टिंग में डे डे ऑफ बिगनिंग जो फाइव थाउजेंड यूएस डॉलर है इसमें भी तो बेनिफिट हुआ है ना उसको टू परसेंट का जो एप्रीशियन है उसका तो इसका टू परसेंट यानी हंड्रेड डॉलर ये इसको एडिशनल प्रिंसिपल में एप्रीसिएशन की वजह से यानी डॉलर में appreciation की वजह से प्रिंसिपल का भी बेनिफिट हुआ है हंड्रेड डॉलर का तो ये भी कैलकुलेशन में ले लेंगे तो इसकी कैलकुलेशन इसने यहां पर दे रखी है देखिए अल्टरनेटिवली यहां पर यही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में उसका वन अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ पॉइंट ट्वेल्व यानी टोटल कितना हो गया वन पॉइंट ट्वेल्व परसेंट वन पॉइंट ट्वेल्व उसका एप्रिशिएशन ये वन किसके इक्विवेलेंट है फाइव डॉलर के पॉइंट ये सिक्स उसका प्रॉफिट हो गया है, उस टाइप से ये कोरिलेट कर रखा है इस प्लस वन पॉइंट जीरो टू माइनस वन माइनस वन क्यों किया क्योंकि जो डॉलर्स है वो इसी के पास जाएंगे बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया उसने टोटल कितना इसका जो इफेक्टिव कैलकुलेशन आया वो आया फोर्टीन पॉइंट टू फोर परसेंट ये कब आएगा जब प्रिंसिपल का भी बेनिफिट हम कैलकुलेट करेंगे ठीक तो है ये क्लियर हो हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एबीएन बैंक अमरसडम वॉन्ट्स टू परचेज फिफ्टीन मिलियन अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर फंडिंग देयर नस्ट्रो अकाउंट विद केनरा बैंक न्यू दिल्ली देखिए एन एमब्रो बैंक ये कहां का है नॉन इंडियन यूएसए ये क्या चाहता है कि फिफ्टीन मिलियन रुपीज परचेज करना चाहता है अगेंस्ट यूएस डॉलर डॉलर के अगेंस्ट में वो परचेज करना चाहता है क्यों यूएसए बेस्ड जो क्लाइंट है यूएस बेस्ड क्लाइंट है उसके लिए रुपीज है वो फॉरेन करेंसी है और उसकी होम करेंसी है वो डॉलर्स है तो ये परचेज करके क्या करेगा केनरा बैंक न्यू दिल्ली के अंदर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा अज्यूमिंग द इंटर बैंक इंटरबैंक रेट ऑफ यूएस डॉलर इज रुपीज फिफ्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स टू फाइव या थ्री सेवन डबल जीरो आस्कोर बाइंग आस्कोर बिड प्राइस ये यहां पर दे रखी है इसकी अब वॉट वुड बी द रेट केनरा बैंक वुड कोर्ट टू एबीएन एमरो बैंक इसके अंदर क्या कोट करेगा केनरा बैंक है जो ए बी एन एमरो पर देखिए जो केनरा बैंक है वो क्या करेगा वो रुपीज है वो सेल कर रहे हैं क्यों इसको परचेज करना है ए बी एन एमरो रुपीज परचेज करना है फिफ्टीन मिलियन है जो तो केनरा बैंक क्या करेगा सेल करेगा और परचेज क्या करेगा यूएस डॉलर क्यों केनरा बैंक है उसको यूएस डॉलर मिलेगा तो यूएस डॉलर उसकी रेट क्या दे रखी है 51.3625 बिड प्राइस और 3700 आस्क प्राइस जब यूएस डॉलर्स बैंक का वो परचेज करेगा तो वो किस रेट में परचेज करेगा जो लोअर रेट है उसके ऊपर परचेज करेगा तो दोनों की जो लोअर रेट कौन सी है 51.3625 तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट करेगा वो केनरा बैंक जो तो 51.3625 वो कोट करेगा रीजन कि ये जो परचेज कर रहे हैं केनरा बैंक क्या परचेज करेगा यूएस डॉलर परचेज करेगा देखिए क्वेश्चन में इधर रखा है कि यूएस बेस्ड जो एबीएन एमरो बैंक है वो क्या परचेज कर रहे हैं 15 मिलियन रुपीज परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज करेगा तो ये रुपीज वहां पर केनरा बैंक को उसको सेल करेगा तो केनरा बैंक को उसको क्या मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेंसी है वो क्या मिलेंगे

रुपीज का डॉलर के अंदर रेट आ जाएगा ये देखिए फिफ्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स टू फाइव ये लोअर रेट है, ये इसने की है। इसका इनडायरेक्ट अगर मान लो कैलकुलेशन करते हैं कि कितने डॉलर में एक रु, एक रुपए की प्राइस है वो कितने डॉलर हुई वन से डिवाइड करने पर ये आ गया आपका डॉलर पॉइंट जीरो वन नाइन फोर सेवन डॉलर अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये अगर डील होती है तो उस कंडीशन में कितना यूएसडी पे करना पड़ेगा ए बी एन एम को तो फिफ्टीन लाख रुपीज फिफ्टीन मिलियन डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्स ये डॉलर्स आ गया अपना टू लैख टू थाउजेंड फोर्टी वन पॉइंट एट्टी सिक्स यूएसडी इतना डॉलर्स वो पे करेगा और केना बैंक का वो रिसीव करेगा और अगर इस रेट के ऊपर जो यूएस बेस्ड जो रेट है डॉलर्स के अंदर उससे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा टू लैख नाइन टू थाउजेंड फिफ्टी तो ये है केना को और ए बी एन केना बैंक को पे करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन की रीडिंग लगाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर एट है एबीसी लिमिटेड ऑफ यू के एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ नेडियन डॉलर फाइव लाख रुपीज रिसीवेबल इन सिक्स मंथ छ महीने में रिसीवेबल है उसको देखिए एबीसी लिमिटेड है यूके बेस्ड है बेस्ड है तो इसकी करेंसी क्या होती है पॉन्ड कैनेडियन डॉलर फाइव लाख के अंदर इस वर्थ का गुड्स है उसने एक्सपोर्ट किया है तो यूके बेस्ड जो एबीएस लिमिटेड है उसको रिसीव करना है कैनेडियन डॉलर फाइव लैक सिक्स मंथ के अंदर द एक्सपोर्टर वॉन्ट्स टू हेज एक्सपोर्टर वो हेज करना चाहता है इस डीलिंग को फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्यों डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हेज करने की तो ये फॉरवर्ड मार्केट में हेज करना चाहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल स्पॉट एक्सचेंज रेट कैनेडियन डॉलर 2.5 पर पॉन्ड जो रेट दे रखा है वो देखिए इनडायरेक्ट कोट कर रखा है यहां पर क्यों यूके बेस्ड है यूके बेस्ड है तो उस कंडीशन में ये इनडायरेक्ट कोट हो गए हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के अंदर इसी का ध्यान रखना है अपने को ये बार बार आएगा ये परेशान करेगा तो यही ध्यान रखने की बात है इसके अंदर उसके आगे देखिए इंटरेस्ट रेट यूके के अंदर कितने ट्वेल्व परसेंट और कनाडा के अंदर इंटरेस्ट रेट है वो फिफ्टीन परसेंट है ये इंफॉर्मेशन है बेसिक अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंशिएट्स जो फॉरवर्ड रेट है वो किस बेस पर कैलकुलेट होगी जो इंटरेस्ट रेट है उसी के बेस पर कैलकुलेट होगी रीजन कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है फॉरवर्ड रेट है तो हमारे पास फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है तो उस फॉर्मूले के बेस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली कि जो रेट है 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 वो क्या होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कहता फाइंड आउट द गेन और लॉस टू यूके एक्सपोर्टर यूके एक्सपोर्टर एबीसी लिमिटेड ये एक्सपोर्टर है इसको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है या गेन या लॉस हुआ है कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट्स स्पॉट रेट्स है वो टू परसेंट से डिक्लाइन हो जाता है तीन सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में सेकेंड सिचुएशन है अगर गेन्स हो जाता है फोर परसेंट किसमें स्पॉट रेट के अंदर और स्पॉट रेट नो चेंज रिमेन अनचेंज उस सिचुएशन में क्या उसको गेन या लॉस होगा तीन डिफरेंट सिचुएशन में हमें कैलकुलेशन करनी है तो इसमें क्वेश्चन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक तो ये इनडायरेक्ट कोड दे रखे यहां पर जो प्राइस का इनडायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट दे रखा है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि ये जो प्राइस इसने जो डिक्लाइन और गेंस दे रखा है तो ये रिवर्स इफेक्ट आएगा इसका कैसे डिक्लाइन बाई टू परसेंट तो इनडायरेक्ट कोट देने की वजह से टू पॉइंट फाइव है इसका हम रिवर्स इफेक्ट लेंगे डिक्लाइन तो नेगेटिव होगा लेकिन जब इसका इफेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव कैलकुलेशन करेंगे इसकी कैसे डिक्लाइन 2.5 परसेंट स्पॉट रेट है तो 2.5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई डिक्लाइन है तो इसको 1.02 पॉइंट जीरो टू परसेंट सेकेंड सिचुएशन में गेन है तो इसको रिड्यूस कर देंगे टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई इंटी सिक्स जो आएगा ये आएगा आई थिंक टू पॉइंट फिफ्टी फाइव और ये आएगा टू पॉइंट फोर जीरो थर्ड सिचुएशन में उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा टू पॉइंट फाइव अनचेंज है तो ये स्पॉट रेट यही रहेगा टू पॉइंट फाइव तो ये थ्री डिफरेंट सिचुएशंस है टू पॉइंट फिफ्टी फाइव होगा पहले के अंदर जो स्पॉट रेट ये हो जाएगा तो उसको कंपेरेटिवली कितना प्रॉफिट और लॉस होगा कंपेरेटिवली इन सेंस ये ये पूछना चाहता है कि मान लो वो हेज कर लेता है तो एक सिचुएशन हो गई हेज के अंदर उसको जो पैसा मिलेगा क्या मिलेगा पॉन्ड और दूसरी सिचुएशन है कि अगर वो स्पॉट रेट है उसमें अगर चेंज आ जाता है चेंज आता है या नहीं आता है तो उस कंडीशन में उसको कितना पैसा मिलता है तो स्पॉट रेट में कितना मिलता और फॉरवर्ड रेट में कितना मिलता है दोनों का कंपैरिजन करेंगे कंपैरिजन का करके जो भी उसको प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट कर लेंगे अब देखिए पहले फॉरवर्ड जो मार्केट है तो फॉरवर्ड रेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है ये फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वन प्लस रेट ऑफ होम करेंसी एंड रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट और वन प्लस डिवाइडेड बाई वन प्लस रेट ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन स्टेट इज इक्वल टू एफ वन एफ वन के फॉरवर्ड रेट और ई जीरो ई जीरो क्या होता है स्पॉट रेट तो स्पॉट रेट हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम करेंसी पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पता है है हमें ये ये करना कि क्या होगा अब देखिए के अंदर कर रखा है 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 जो वो तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे के अंदर क्या करेंगे इनडायरेक्ट कोट की कंडीशन में वन प्लस रिवर्स कर देंगे बस इनडायरेक्ट कोट की कंडीशन के अंदर वन प्लस आर सी इसको नीचे इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इस फॉर्मूले के अंदर जब इसकी जो वैल्यू पुट अप करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर दूसरी एक सिचुएशन हो रही है कि सिक्स परसेंट के बाद इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है सिक्स परसेंट के लिए हेज कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे फिफ्टीन परसेंट दे रखा है इसको सिक्स मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सेवन पॉइंट फाइव और ट्वेल्व परसेंट उसको सिक्स परसेंट इस बेस पर कैलकुलेशन करेंगे देखो इसने आगे कैलकुलेशन कर रखी है ये देखिए इसमें फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव जीरो इंटरेस्ट है कनाडा यूके बेस्ड जो कंपनी है उसके लिए फॉरेन का रेट हो गया इंटरेस्ट का रेट है तो इस वजह से और यूके का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना ट्वेल्व परसेंट और इसको जो अमाउंट चाहिए वो आफ्टर सिक्स मंथ चाहिए तो इसको फिफ्टी परसेंट कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसको ट्वेल्व की जगह सिक्स परसेंट हो जाएगी और ये फिफ्टीन की सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगी और इसकी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे होम करेंसी होम करेंसी का रेट क्या है यूके का सिक्स तो इसको नीचे ले जाएंगे सिक्स परसेंट को नीचे ले ये फॉर्मूला हम इनडायरेक्ट जो प्राइस वाला इनडायरेक्ट कोर्ट वाला हम यूज में लेकर ये फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लिया इसमें टू पॉइंट फाइव थ्री फाइव अब देखिए आगे जो फर्स्ट सिचुएशन है बाई टू परसेंट तो टू परसेंट से जब डिक्लाइन करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पोर्ट रेट अब टू परसेंट से डिक्लाइन होगा तो क्या होगा रेट इनडायरेक्ट दे रखा है कोट कर रखे हैं तो उस कंडीशन में टू परसेंट डिक्लाइन का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं हम टू पॉइंट फिफ्टी फाइव तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर देखिए क्या करते हैं स्पॉट रेट 2.5 मल्टीप्लाई 2.55 अब देखिए फॉरवर्ड रेट के अंदर वो कैलकुलेट करते हैं तो उसको कितना कैनेडियन डॉलर मिलेगा 5 लाख डिवाइडेड बाई कनेडियन डॉलर 2.535 ये फॉरवर्ड रेट के अंदर 2.55 टोटल उसको उसको मिला है, right? अब में में अगर होगा तो तो कितना मिलता forward में तो इतना मिलेगा और अगर वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन से नहीं जाता तो स्पॉट रेट में उसको कितना मिलता केस अगर उसकी प्रोडिक्शन कंप्लीट हो जाती तो डिक्लाइन होता है तो उसको वन नाइन सिक्स जीरो तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गए है वो इस वजह से उसको कितना बेनिफिट हुआ फॉरवर्ड में इतना मिला उसको और स्पॉट रेट में उसको सिर्फ 196 मिलता तो उसको कितने का गेन हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाने की वजह से 1161 पॉन्ड ये उसको बेनिफिट हुआ फर्स्ट सिचुएशन के अंदर सेकंड सिचुएशन के अंदर ये कहता है कि 4 गेन हुआ है स्पॉट रेट के अंदर तो गेन हुआ है तो इसकी इनडायरेक्ट कोट होने की वजह से हम क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे इसको इसका है नहीं, 240. तो है, उसमें तो मिलती है फॉरवर्ड के अंदर लेकिन इन केस अगर वो डिक्लाइन कर जाता है रेट तो उस कंडीशन में फाइव लेकिन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर जीरो तो उस कंडीशन में टू जीरो एट ट्रिपल थ्री ये उसको पे उसको तो इसको लॉस हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाने की वजह से कितने का इलेवन थाउजेंड फोर का तो यहाँ पर स्पॉट रेट में उसमें फॉरवर्ड रेट के अंदर कितना मिला उसको कोई चेंज नहीं है वन नाइन्टी सेवन था वन नाइनटी सेवन इसमें मिल रहा है और स्पॉट रेट में कोई चेंज नहीं है तो फाइव लैक डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फिफ्टी यानी टू लैख डॉलर उसको पॉन्ड मिले हैं तो इसके उस कंडीशन में फॉरवर्ड रेट में जाने की वजह से या हेज करने की वजह से उसको कितना लॉस हुआ टू सेवन सिक्स वन ये लॉस हो गया है उसका ठीक है तो इसमें ये फंडा क्लियर हो गया होगा